नमस्कार। हमारे साथ आज भी, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि बिहार स्कूल ऑफ योग से हमारे साथ सन्यासी देवानंद जी हैं, जो हमें योग निद्रा पहले दिन से और आज तक करा रहे हैं। तो मैं स्वामी जी से अनुरोध करूंगा कि वो हमें योग निद्रा कराएं। हरिओम तत्सत, शांति पाठ से शुरू करेंगे। विल बिगिन विद द शांति पाठ। सिट कंफर्टेबली इन अ क्रॉस लेग मेडिटेटिव पोस्चर। किसी भी ध्यान के आसन में बैठ जाइए। आंखों को बंद कर लीजिए। दोनों हाथ घुटनों पर ज्ञान अथवा चिन्ह मुद्रा में। शरीर बिल्कुल स्थिर। बंद आंखों से अपने पूरे शरीर को महसूस कीजिए। कीपिंग द आईज क्लोज्ड, बी अवेयर ऑफ योर होल बॉडी। फील योर बॉडी। Make sure that your body is comfortable. If not, you can make adjustments. शरीर में अगर बैठने में कोई परेशानी हो, कोई तकलीफ हो, कहीं तनाव हो, तो थोड़ा एडजस्टमेंट कर लीजिए और आराम की स्थिति में आ जाइए और अपने पूरे शरीर को महसूस कीजिए। फिर अपने श्वास पर ध्यान कीजिए। नासिकाओं से श्वास अंदर आ रही है और जा रही है, उस पर पूरा ध्यान लगाइए। बी अवेयर ऑफ योर नेचुरल एंड स्पॉन्टेनियस ब्रेथ। फील एवरी इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। बीइंग फुल्ली कॉन्शियस ऑफ योर ब्रेथ। Now, take your attention to the eyebrow center. अब अपनी सजगता को भ्रूमध्य में ले आइए और वहां पर एक चमकती हुई दिव्य ज्योति का मानस दर्शन। Mentally visualize a bright and still candle flame. Keeping the awareness there, we will chant Om 3 times and Shanti Path. हम लोग भ्रूमध्य पे ध्यान लगाते हुए तीन बार ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे और फिर शांति पाठ। लंबी गहरी श्वास लीजिए। ब्रीद इन डीपली। ओम Om अब मेरे बाद दोहराइए। ओम सहना भवतु। सहनौ भुनक्तु। सह वीर्यं करवावहै। तेजस्विनावधीतमस्तु। मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम। आंखों को बंद ही रखिए।
और फिर दोनों हाथों से हथेलियों को आपस में रगड़िए और फिर आंखों पर रखिए। एक बार फिर से हथेलियों को आपस में रगड़ के बंद आंखों पर रखिए। योग निद्रा के अभ्यास के लिए तैयार हो जाइए, शवासन में लेट जाइए। याद रहे कि योग निद्रा के अभ्यास के समय सोना नहीं है, आराम से शवासन की स्थिति में लेट जाइए। शरीर में कहीं भी कोई तनाव नहीं, बिल्कुल आराम की स्थिति। बिल्कुल शिथिल और ढीला छोड़िए अपने शरीर को शवासन की स्थिति में। कहीं पर भी आपको अगर तनाव महसूस हो रहा हो तो उस भाग को बिल्कुल ढीला छोड़िए। शरीर बिल्कुल आराम की स्थिति में। अगर आपको शरीर को थोड़ा एडजस्टमेंट करना है तो कर सकते हैं। यू कैन एडजस्ट योर पॉस्चर, यू कैन एडजस्ट योर क्लोथ्स एंड कम टू अ स्टेट ऑफ कंफर्ट एंड स्टिलनेस। मेक श्योर दैट देयर इज नो टगिंग ऑफ द क्लोथ्स, देयर इज नो टाइट बेल्ट और स्ट्रिंग इन योर वेस्ट। The body is comfortable. If you're wearing specs, please remove it. If you're wearing wristwatch, remove it. Make all the necessary adjustments. Settle your body into state of comfort and ease. शरीर को बिल्कुल आराम की स्थिति में ले आइए। कहीं पर भी आपको तनाव महसूस हो रहा हो तो उस भाग को थोड़ा हिला डुला करके शिथिल बनाइए। और एक बार जब शरीर आराम की स्थिति में आ जाए तो योग निद्रा के समय शरीर को बिल्कुल स्थिर रखना है। ड्यूरिंग योग निद्रा योर बॉडी शुड रिमेन एब्सोल्यूटली स्टिल। फील योर बॉडी, that is the first important point in yoga nidra, that your body remains still and comfortable. yoga nidra ka pehla niyam hai sharir bilkul sthir aur aaram ki sthiti mein ho. dusri baat, yoga nidra karte samay aapka pura dhyan mere nirdeshon par hona chahiye. मेरे निर्देशों को सुनते जाइए और जैसा निर्देशित किया जाता है वैसा मानसिक रूप से करते जाइए। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, कीप लिसनिंग टू माय इंस्ट्रक्शंस एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस मेंटली। थर्ड पॉइंट, डू नॉट गो ऑफ टू स्लीप। तीसरी बात, सोना नहीं है, जागते रहना है योग निद्रा करते समय। शरीर बिल्कुल आराम से लेटा हुआ है, मन भी शांत है, पर मेरे निर्देशों पर पूरा ध्यान। बॉडी इज रिलैक्स्ड, द माइंड इज काम, बट अवेयरनेस ऑन माय इंस्ट्रक्शंस। नो अदर थॉट्स, और कोई विचार मन में नहीं।
जैसा मैं निर्देशित करता हूं वैसा करते जाइए। अब जिस स्थान पर आप लेटे हुए हैं उसके प्रति पूर्ण सजगता, बी अवेयर ऑफ द प्लेस वेयर यू आर राइट नाउ, द रूम इन विच यू आर, द वॉल्स विच मेक्स द बाउंड्री ऑफ द रूम, द ऑब्जेक्ट्स इन द रूम, जिस कमरे में आप लेटे हुए हैं उसके प्रति पूर्ण सजगता, एंड नाउ पे अटेंशन टू द साउंड्स। अब जो भी आवाज आपके कानों तक आ रही है उसके प्रति सजगता। मन में पूरा ध्यान जो है वो आवाजों पर लगाइए। जो आवाज आपको सुनाई दे रही है इस वक्त उस पर ध्यान लगाइए और एक एक करके सारी आवाजों को सुनने का प्रयास कीजिए। वन बाय वन ट्राई टू हियर ऑल द साउंड्स विच आर ऑडिबल। Now, take your awareness to the sounds in the room. जो आवाज आपके कमरे में आ रही है, कमरे से आ रही है, उस पर ध्यान लगाइए। और अगर आवाज नहीं आ रही है, तो जो शांति है, नीरवता है, उस पर ध्यान लगाइए। If there are no sounds, be aware of the silence in the room. Then be aware of the sounds in your own body. शरीर के अंदर अगर कोई साउंड है, शब्द है, तो उन पर अपना ध्यान लगाइए। और अगर नहीं है तो शरीर के अंदर जो शांति है उसका अनुसरण। If there are no sounds inside the body, be aware of the silence. You may experience profound silence inside. And in that silence, be aware of your breath. Whether you are able to hear the sound of the breath or not, but be aware of your breathing. अब अपने श्वास प्रश्वास के प्रति सजग बनिए। श्वास की आवाज आपको सुनाई दे या ना दे, पर प्रत्येक श्वास के प्रति सजगता। जब आप श्वास के प्रति सजग बनते हैं तो शरीर और मन अपने आप शांत होने लगता है। महसूस कीजिए कि कैसे श्वास पे ध्यान लगाने से शरीर और मन शिथिल हो रहा है, शांत हो रहा है। नोटिस हाउ द बॉडी एंड माइंड स्टार्ट रिलैक्सिंग व्हेन यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग योर ब्रेथ। And the breathing also becomes slower, deeper and rhythmic. और श्वास प्रश्वास भी धीमी, गहरी और नियमित होती जा रही है। सोना नहीं है, remain fully awake. Now,
इज द टाइम फॉर संकल्प. रिमेंबर द संकल्प विच वी टुक इन द मॉर्निंग. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट संकल्प टू रिमेंबर. मेंटली रिपीट इट 3 times. सुबह हम लोगों ने जो संकल्प मन में लिया था उस संकल्प को याद कीजिए. खुश रहने का संकल्प, संकल्प टू रिमेन हैप्पी. से टू योरसेल्फ, आई एम हैप्पी राइट नाउ. मैं इस समय खुश हूं, आनंद की स्थिति में हूं. 3 बार इस संकल्प को अपनी मातृभाषा में दोहराइए. रिपीट दिस संकल्प 3 times मेंटली इन योर मदर टंग. And remember that any sankalpa taken in yoga nidra will definitely materialize. Jo bhi sankalp hum yoga nidra mein lete hain, wo nishchit roop se safal hota hai. Ab main aapke sharir ke angon ka naam lunga ek ek karke. Jin angon ka main naam leta hoon, un par apni sajagta ko le jaiye, unko dheela chhodiye aur उनको शिथिल कीजिए बिना किसी गति किए हुए, बिना शरीर को हिलाए डुलाए. सिर्फ मन को वहां ले जाना है, उस भाग को महसूस करना है अच्छी तरह से और उसको ढीला छोड़ना है. नाउ आई एम गोइंग टू टेल नेम्स ऑफ योर बॉडी पार्ट. विच एवर पार्ट आई नेम, फील इट क्लियरली एंड रिलैक्स इट विदाउट मेकिंग एनी फिजिकल मूवमेंट. So get ready now. We will begin with the right side. Right hand thumb, first finger, second finger, third finger, fourth finger, 4 fingers and thumb, palm, back of the hand, wrist, forearm, elbow, upper arm, shoulder, armpit, side of the chest, waist, right hip, right thigh, knee, calf muscle, shin, ankle, heel, sole of the right foot, top of the right foot, big toe, second toe, third toe, fourth toe, fifth toe, 5 toes of your right foot, whole right side, whole right side, whole right. Now notice the difference between right side and left side. Now we move the awareness to the left side. Left hand thumb, first finger, second finger, third finger, fourth finger, 4 fingers and thumb, palm, back of the hand, wrist, forearm, elbow, upper arm, shoulder, armpit, side of the chest, waist, left hip, thigh, knee, calf muscle and shin, ankle, heel, sole of the foot, top of the foot, big toe, second toe, third toe, fourth toe, fifth toe, 5 toes of your left foot,
whole left side of the body, whole left side, whole left side. Now the back side, buttocks, the right buttock, the left buttock, both the buttocks, lower back, middle back, upper back with the shoulder blade, back of your neck and head, spine, whole back side of your body, whole back side, whole back side, head, top of your head, forehead, right eyebrow, left eyebrow, eyebrow center, right eye, left eye, right nostril, left nostril, right cheek, left cheek, upper lip, lower lip, chin, jaws, tongue, whole face, whole face, whole face, throat, chest, chest, abdomen, abdomen, hip region, hip region, whole front side, whole front side, whole front side. Now feel your whole body, pura sharir ek saath, whole body, whole body, pura sharir ek saath. महसूस कीजिए अपने पूरे शरीर को एक साथ. अब अपने सजगता को श्वास प्रश्वास पर ले आइए. बी अवेयर ऑफ योर ब्रीदिंग. ऑब्जर्व योर नेचुरल ब्रेथ. मेक श्योर दैट यू आर अवेक. सोना नहीं है, जागते रहिए, मेरी आवाज को सुनते जाइए. अब बंद आंखों के सामने जो चिदाकाश है, जो काला पर्दा है, उस पर अपने ध्यान को लाइए. नाउ बी अवेयर ऑफ द स्पेस इन फ्रंट ऑफ योर क्लोज आईज, द चिदाकाश. दिस इज द स्पेस वेयर यू सी द ड्रीम ऑब्जेक्ट व्हेन यू Eyes are closed in night. यही वह स्थान है जहां पर आप स्वप्न में चीजों को देखते हैं, मानसिक रूप से, बंद आंखों से. अपने चिदाकाश का ख्याल कीजिए, देखिए मानसिक रूप से अपने चिदाकाश को बंद आंखों से. Awareness of the चिदाकाश, the dark space in front of your closed eyes. Now I am going to tell a few objects. Whatever object I am naming, try to see them mentally. Try to visualize them mentally in your chidakash. अब मैं कुछ चीजों के नाम लूंगा, उनको मानसिक रूप से अपने चिदाकाश में देखिए. Snow-covered mountain peaks. Snow-covered mountain peaks. बर्फ से ढकी हुई पर्वत की चोटी. बर्फ से ढकी हुई पर्वत की चोटी. Sunrise behind the mountain peak. Sunrise behind the mountain peak. पर्वत के पीछे होता हुआ सूर्योदय. पर्वत के पीछे से होता हुआ सूर्योदय. सूर्य की किरणों से प्रकाशित
बर्फ, सुनहरी बर्फ, द गोल्डन स्नो बाय द सनलाइट, द सनलाइट फॉलिंग ऑन द स्नो इज लुकिंग लाइक अ गोल्डन स्नो। नाउ विजुलाइज डार्क स्टारी नाइट, द स्काई इज स्टडेड विद स्टार्स। रात में तारों से भरा हुआ आसमान, रात में तारों से भरा हुआ आसमान। फुल मून, फुल मून, पूर्णिमा का पूर्ण चंद्र, पूरा चांद। नाउ विजुलाइज एन ओल्ड मैन वॉकिंग इन अ स्ट्रीट। एक बुजुर्ग व्यक्ति रस्ते में जा रहा है, एक बुजुर्ग व्यक्ति रस्ते में चल रहा है। अ कलरफुल बटरफ्लाई, एक रंगीन तितली। अ कलरफुल बटरफ्लाई, एक रंगीन तितली एक गुलाब के फूल पर बैठी हुई है। कलरफुल बटरफ्लाई सिटिंग ऑन अ रोज फ्लावर। अ फ्लाइंग बटरफ्लाई, अ फ्लाइंग बटरफ्लाई एक उड़ती हुई तितली, एक उड़ती हुई तितली। अब अपने मन को चिदाकाश में जो वस्तुएं आप देख रहे हैं उनसे हटाकर अपने संकल्प पर लाइए। नाउ टेक योर अटेंशन फ्रॉम योर चिदाकाश टू द संकल्प विच वी टुक इन द बिगिनिंग ऑफ योग निद्रा। मेंटली रिपीट द सेम संकल्प 3 times। अब अपने संकल्प को 3 बार दोहराइए मानसिक रूप से। पूरी सजगता के साथ एंड देन ग्रेजुअली एक्सटर्नलाइज योर अवेयरनेस। अब धीरे धीरे अपने सजगता को बहिर्मुखी बनाइए। आप जिस कमरे में लेटे हुए हैं उसके प्रति सजगता, जो वस्तुएं आपके आसपास में हैं उनकी सजगता, जो आवाज सुन रहे हैं उन पर अपने ध्यान को ले जाइए। बी अवेयर ऑफ द रूम इन विच यू आर, द ऑब्जेक्ट्स अराउंड, द साउंड्स। एक्सटर्नलाइजिंग योर अवेयरनेस, बी अवेयर ऑफ द सराउंडिंग एनवायरनमेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। मन को बहिर्मुखी बनाते हुए इस समय जिस वातावरण में आप हैं, जिस परिवेश में आप हैं, उसका पूर्ण बोध, पूरी सजगता। नाउ वी आर गोइंग टू एंड द प्रैक्टिस ऑफ योग निद्रा। अब हम लोग योग निद्रा का अभ्यास समाप्त करने जा रहे हैं। धीरे धीरे अपने पांव की उंगलियों को हिलाइए डुलाइए। स्टार्ट मूविंग योर टोज एंड फिंगर्स, टर्न योर हेड साइड टू साइड, इंटरलॉक योर फिंगर्स एंड गिव ए गुड स्ट्रेच टू योर बॉडी। गर्दन को दाहिनी बाईं तरफ घुमाइए, दोनों हाथों को फंसाकर पूरे शरीर को अच्छी तरह से तानिए और फिर धीरे से दाहिनी करवट लेकर के उठकर बैठ जाइए। नाउ टर्निंग टू योर राइट साइड, यू कैन स्लोली गेट अप एंड कम टू अ कंफर्टेबल सिटिंग पोस्चर। आरामदायक आसन में बैठ जाइए, दोनों हाथ घुटनों पर,
चिन्ह मुद्रा की स्थिति में अंगूठे का अग्रभाग और पहली उंगली का अग्रभाग दोनों आपस में जुड़े हुए होने चाहिए। आंखें सहजता से बंद, बंद आंखों से अपने पूरे शरीर को महसूस कीजिए। योग निद्रा के अभ्यास के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बी अवेयर ऑफ योर बॉडी, नोटिस हाउ यू आर फीलिंग आफ्टर योग निद्रा। नाउ ब्रिंग योर अटेंशन टू द आईब्रो सेंटर, भ्रूमध्य में अपने ध्यान को ले आइए। विजुअलाइज अ ज्योति, ज्योति का मानस दर्शन करते हुए तीन बार ओम मंत्र का उच्चारण। We chant Om three times and Om Shanti three times. Breathe in deeply. हरिओम तत्सत। अब हथेलियों को आपस में रगड़ के पामिंग का अभ्यास कीजिए। हरिओम तत्सत। धन्यवाद सन्यासी देवानंद जी। अभी हम 2 बजे फिर से उपस्थित होंगे आओ नागा कोर गुरबानी और कवाली के साथ। धन्यवाद।